99% हार चुकी थी भारतीय टीम पहला टी20 मुकाबला, लेकिन आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह ने चौका जड़ कर जीताया मैच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला गया, जहां पर भारतीय टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 2 विकेट से मुकाबले को जीतकर इतिहास रचा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार 209 रनों के टारगेट का पीछा भारतीय टीम ने अपने 8 विकेट खोने के बाद किस तरह से किया, और इस टी20 मुकाबले को कैसे भारतीय टीम ने जीत कर यहाँ पर फाइनल में मिली हार का बदला लिया। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की दमदार बल्लेबाजी के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस महामुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस महामुकाबले में सिक्का उछाला सूर्य कुमार यादव ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, यानी कि सूर्य ने आज के मुकाबले में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जहाँ पर बल्लेबाजी के लिए पहले ऑस्ट्रेलिया टीम को आमंत्रित किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम की हम बात करें तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे आज के इस महामुकाबले में स्टीवन स्मिथ के साथ मैथ्यू शॉट, जहां पर दोनों खिलाड़ियों ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। अर्शदीप सिंह पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए थे। अर्शदीप सिंह की गेंद पर जब तीसरी गेंद डाली थी तो स्टीवन स्मिथ ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला, तो आखिरी गेंद पर स्मिथ ने 1 रन लिया, यानी कि पहले ओवर में टीम ने 7 रन जोड़े। इसके बाद पहले ओवर की पहली गेंद जो कि प्रसिद्ध कृष्णा डाल ने आए थे, स्मिथ ने इनकी गेंद पर भी बेहतरीन आकाज करते हुए चौका जड़ा, तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर लगातार इन्होंने दूसरा चौका भी जड़ दिया। तो इसके बाद आखिरी गेंद पर एक बार फिर दमदार शॉट खेला, यहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए मिड विकेट की तरफ शानदार चौका जड़ दिया स्टीवन स्मिथ ने, यानी कि देखे तो काफी बेहतरीन फॉर्म में टीम को उतार दिया। भारतीय टीम को बड़ी सफलता नहीं मिली थी तीसरे ओवर की दूसरी गेंद जो कि अर्शदीप सिंह डालने आए थे। अर्शदीप सिंह की गेंद पर भी शानदार शॉट खेला, यहाँ पर मैथ्यू वेड ने और चौका जड़ दिया। तो इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर शानदार शॉट खेला मैथ्यू वेड ने और इनकी गेंद पर भी बेहतरीन चौका जड़ दिया, यानी कि बैक टू बैक चौके इनके बल्ले से देखने को मिले। जहां पर अक्षर पटेल बेहतरीन फॉर्म में गेंदबाजी नहीं कर सके थे तो मैथ्यू शॉट ने भी दमदार परफॉर्मेंस किया, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों ने मिलकर टीम को मजबूत शुरुआत में पहुंचाया। लेकिन चौथे ओवर की चौथी गेंद पर टीम को पहली सफलता मिली, जहां पर रवि बिश्नोई ने मैथ्यू शॉट को पेवेलियन की राह दिखाई। 11 बॉलों पर 13 रन बनाकर ये चलते बने। इसके बाद यहां पर चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर जोश इंग्लिश पारी को संभालने आए। इंग्लिश ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोला, तो इसके बाद पारी को मजबूत स्थिति में पहुंचाते गए। 5 ओवर तक टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 35 रन हो चुका था। तो इसके बाद 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर इंग्लिश ने अक्षर की गेंद पर शानदार चौका जड़ा, यानी कि 6ठे ओवर में टीम 40 रन तक पहुंच सकी थी। लेकिन 6ठे ओवर की पहली गेंद पर स्मिथ ने शानदार हाथ खोले, मुकेश कुमार गेंदबाजी करने आए, इनकी गेंद पर भी बेहतरीन शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। वहीं पर 7वें ओवर की पहली गेंद पर जोश इंग्लिश जो कि प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने उतरे, इनकी गेंद पर भी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शानदार चौका जड़ दिया। तो 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार छक्का जड़ा अपनी पारी का पहला जोश इंग्लिश ने, प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने उतरे थे। इसी ओवर की चौथी गेंद पर इन्होंने चौका जड़ा, तो 5वीं गेंद पर लगातार चौका जड़ दिया, यानी कि टीम का स्कोर पहुंचा दिया 8 ओवर तक 65 रनों तक। इसके बाद एक बार फिर 8वें ओवर की पहली गेंद पर जोश इंग्लिश ने शानदार छक्का जड़ा, तो इसके साथ ही यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ी मिलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा सके थे। 9वें ओवर की चौथी गेंद मुकेश कुमार डालने आए, जोश इंग्लिश ने इनकी गेंद का बेहतरीन आकाज करते हुए चौका जड़ा। 10वें ओवर की दूसरी गेंद अर्शदीप सिंह डालने आए, स्मिथ ने शानदार परफॉर्मेंस किया और स्टंप की तरफ शानदार चौका जड़ दिया, यानी कि यहां पर 11वें ओवर तक टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 92 रन हो सका था। तो 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर रवि बिश्नोई की गेंद पर इंग्लिश ने शानदार छक्का जड़ा, तो इसी ओवर की लगातार चौथी गेंद पर इंग्लिश ने चौका जड़ा,
तो आखिरी गेंद पर एक और छक्का जड़ दिया, यानी कि यहां पर 12वें ओवर तक टीम अपने 100 रन भी पूरे कर सकी थी। टीम का स्कोर 110 रन हो चुका था। 12वें ओवर की पहली गेंद पर स्मिथ ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए चौका जड़ा, तो इसके बाद यहां पर एक बार फिर 13वें ओवर की पहली गेंद पर इंग्लिश ने शानदार छक्का जड़ा, तो इसी ओवर में टीम ने काफ़ी मजबूत स्थिति तक स्कोर को पहुंचाया। 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर इंग्लिश ने शानदार छक्का जड़ा, इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार इंग्लिश ने छक्का जड़ा, तो इसके बाद यहां पर इसी ओवर की आखिरी गेंद जो कि रवि बिश्नोई डाल रहे अरे थे, यहां पर इंग्लिश ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और शानदार एक ही ओवर में 3 छक्के जड़ दिए, यानी कि टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया 14 ओवर तक। 15वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए स्मिथ ने चौका जड़ा, तो इसके बाद इसी ओवर की 4थी गेंद पर स्मिथ ने एक और चौका जड़ा, लेकिन यहां पर 5वीं गेंद पर मुकेश कुमार ने स्मिथ को आउट कर दिया और दमदार परफॉर्मेंस करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों से रन आउट करा दिया। 41 बॉलों पर 52 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद ये पेविलियन लौटे। इसके बाद यहां पर पारी को संभालने आए थे स्टोइनिस, मार्कस स्टोइनिस ने जॉस इंग्लिस का साथ दिया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर मजबूत स्थिति बनाई। 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर इंग्लिश ने चौका जड़ा, तो इसके बाद यहां पर इसी ओवर की 4थी गेंद, इसके बाद 5वीं गेंद, इसके बाद आखिरी गेंद पर लगातार 3 चौके जड़ दिए, लेकिन 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने जॉस इंग्लिस को आउट कर दिया। जयसवाल के हाथों से कैच आउट कराया। ये दमदार परफॉर्मेंस करते हुए मात्र 50 बॉलों पर 110 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर डेविड ने दमदार परफॉर्मेंस किया, प्रसिद्ध कृष्णा की और चौके के साथ अपना खाता खोला, यानी कि यहां पर टीम मजबूत स्थिति में उतरते हुए अपने 20 ओवर में 3 विकेट खोने के बाद 208 रन बना सकी थी, यानी कि अब 209 रनों का टारगेट भारतीय टीम के सामने था। हम बात करें टीम इंडिया की, तो भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे इस महामुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ के साथ यशस्वी जायसवाल, जहां पर जायसवाल जो कि स्टोइनिस की पहली गेंद पर ही चौके के साथ अपना खाता खोला, तो तीसरी गेंद पर जायसवाल ने दमदार परफॉर्मेंस किया और छक्का जड़ दिया, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ बेहतरीन शॉट खेला। तो ऋतुराज गायकवाड़ भी काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में उतरे थे, लेकिन यहां पर 5वीं गेंद पर जायसवाल ने रन बनाना चाहा, एक रन लहा लिया, लेकिन यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ रन आउट किए गए। यहां पर मैथ्यू वेड के हाथों से जो कि अपना खाता भी नहीं खोल सके और पेवेलियन लौटे। इसके बाद पारी को संभालने आए यहां पर यशस्वी जायसवाल के साथ ईशान किशन, दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम को स्कोर को आगे पहुंचाया। जहां पर दूसरे ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए चौका जड़ा, तो इसी ओवर की दूसरी गेंद पर जायसवाल ने लगातार छक्का जड़ दिया, लेकिन यहां पर तीसरी गेंद पर जायसवाल बेहतरीन परफॉर्मेंस करना चाहते थे। शानदार शॉट खेलने के चक्कर में स्मिथ के हाथों से कैच आउट हो गए और इनको बोल्ट कर दिया। यहां पर दमदार फॉर्म में उतरने के बावजूद भी और 8 गेंदों पर इन्होंने 21 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। इसके बाद पारी को संभालने आए मैदान पर ईशान किशन के साथ सूर्य कुमार यादव, दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुंचाया। दोनों खिलाड़ी शानदार फॉर्म में मैदान पर उतरे। सूर्य ने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर छक्के के साथ खाता खोला। 4थे ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन ने भी शानदार छक्का जड़ा। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मिड विकेट एरिया की तरफ शानदार छक्का जड़ दिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बेहतरीन परफॉर्मेंस किया सूर्य ने और चौका जड़ दिया, यानी कि 5 ओवर तक टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच चुका था। 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्य ने चौका जड़ा। 5वीं गेंद पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए सूर्य ने एक और चौका जड़ दिया। भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। 8वें ओवर में भी टीम ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। पहली गेंद पर ईशान किशन ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर ईशान किशन ने एक और छक्का जड़ा, तो तीसरी गेंद पर लगातार दूसरा छक्का जड़ दिया, यानी कि 8वां ओवर भारतीय टीम के लिए काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुँचा दिया। 9वें ओवर तक टीम का स्कोर 100 रनों के करीब पहुँच चुका था।
जहां पर भारतीय टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 10 ओवर तक अपने 2 विकेट खोने के बाद स्कोर को पहुंचा दिया था 105 रनों के पार। 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्या ने शानदार चौका जड़ा। सूर्या ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए काफी ऐतिहासिक परफॉर्मेंस किया। जहां पर हम बात करें भारतीय टीम के इस दमदार स्कोर की, तो ईशान किशन के रूप में टीम को तीसरा तगड़ा झटका लगा, जहां पर ईशान किशन अपनी 39 बॉलों पर 58 रन बना चुके थे, 2 चौके 5 छक्के जड़े थे, लेकिन तन्वीर संघा ने इनका विकेट ले लिया। मैथ्यू शॉर्ट के हाथों से इनको कैच आउट करा दिया। तो वहीं पर सूर्या ने काफी ऐतिहासिक परफॉर्मेंस किया। इसके बाद तिलक वर्मा मैदान पर साथ देने उतरे थे, लेकिन तिलक वर्मा 10 बॉलों पर मात्र 12 ही रन बना सके थे। अपनी पारी में 2 चौके लगाने के बाद इनको भी तन्वीर संघा ने बोल्ट कर दिया, जहां पर मार्कस स्टोइनिस के हाथों से इनको कैच आउट कराया। आखिरी में सूर्या का साथ दिया रिंकू सिंह ने। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दोनों खिलाड़ियों ने करके दिखाई और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाते हुए भारतीय टीम ने इस मुकाबले को ऐतिहासिक तरीके से जीतकर वर्ल्ड कप में मिली फाइनल के हार का बदले की शुरुआत करी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस T20 सीरीज को पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।